एक गुनहगार को चोरी की आदत थी और एक अल्लाह वाले के घर में वो बहुत बड़ी चोरी कर ली। अल्लाह वाले उसे पकड़ना चाहे, पकड़ ना सके। बाद में कहा कि भाई देख कर दौड़, अब तेरा पीछा नहीं करूंगा। कहीं दौड़ते दौड़ते तो गिर जाए तो नुकसान होगा, लेकर जा माल, मैंने तेरे लिए माल हलाल कर दिया। अखलाक औलिया है आशिकान रसूल, मैंने तेरे लिए माल को हलाल कर दिया। गाँव वालों ने पूछा कि हजरत जब था हम ना तुम्हें बोलना था ना तुम पकड़े नहीं ना। खैर पकड़े नहीं तो जाता, कम से कम खयामत में तो पकड़े जाता। माफ कहीं को करे, चुप जाहिल, अगर मैं माफ ना करता तो हिसाब उसका लंबा होता। और आका ने फरमाया मेरा गुलाम एक भी बाकी रहे मैं जन्नत को नहीं जाऊँ, उसकी वजह से मेरा नबी इंतजार करे। मैं माफ ना करूं वो हिसाब में खड़ा रहेगा, मेरा रब पूछता रहेगा माफ कर दे तब भी इंतजार, माफ ना करे जहन्नम में इंतजार। मेरे नबी को इंतजार करना नहीं, नहीं जान दो जान दो, मेरा मकसूद माफ करना नहीं, मेरा मकसूद मेरा नबी है, मेरा नबी। उस नबी पर नजर डालो प्यारो, उस नबी पर नजर डालो, उसकी उम्मत बर्बाद हो रही है। कौन है जिम्मेदार? उसकी उम्मत बर्बाद हो रही है, कौन इनको समझाने वाला? जो बड़े हैं वो खामोश बैठे हुए हैं। एक सफर अगर कर लेंगे ना इंशाल्लाह बड़े मसले हल हो जाएंगे। नहीं कुछ भी करना नहीं चाहते तो फिर नतीजे नहीं निकलेंगे, कुछ भी अगर करना नहीं चाहते तो फिर नतीजे नहीं निकलेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए तो गर